डी आर वाई अनियन ऑयल एट होम आज की वीडियो का टॉपिक है ये अनियन ऑयल बट दिस इज़ नॉट जस्ट अ रेगुलर ऑयल कि हमने एक कोई भी बेस ऑइल लिया उसमें हमने प्याज डाल दिए और बन गया हमारा प्याज का तेल नो no, इसमें और भी इन्ग्रीडियंट्स मैंने ऐड किए हैं किस रीजन से किए हैं और क्या क्या उनके बेनिफिट्स हैं एवरी थिंग इज वॉट वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्दर इन द वीडियो सो मेक श्योर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल सेल्फ सीक्रेट्स आई रियली होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रह रहे होंगे आप लोगों ने जितने ज्यादा मुझे मैसेजेस किए हैं उन सभी मैसेजेस का फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू आप लोगों के मैसेजेस ही हैं जिसकी वजह से मुझे एनर्जी मिल जाती है टू कम अप विद मोर सच वीडियोस मतलब जितना भी मेरे को पता है मैं आप लोगों से यहाँ पे शेयर करती हूँ सो थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच फॉर शोइंग दिस काइंड ऑफ एंगेजमेंट ऑन दिस चैनल थैंक यू जैसे कि मैंने कहा इस रेमेडी का इंग्रीडियंट नंबर वन और द मेजर इन्ग्रीडियंट टू बी वेरी ऑनेस्ट इस अनियन और अनियन में होता है सल्फर जो कि आपके बालों को बहुत ज़्यादा रूट से स्ट्रेंथन करता है तो दैट मीन्स आपका जो हेयर फॉल है वो भी बहुत अच्छे से कंट्रोल होता है तो लेस हेयर फॉल मीन्स मोर वॉल्यूम क्योंकि आपका जो नेचुरल हेयर ग्रोथ है जिस भी स्पीड में चल रहा है कम है है ज़्यादा दैट दैट विल विल बी बी देयर देयर एंड एंड प्लस जो आप एक्स्ट्रा बूस्ट दे रहे हैं अपने हेयर ग्रोथ को विद ऑल दीज एप्लीकेशन एंड एक्स्ट्रा हेयर केयर दैट यू आर कीपिंग इन योर माइंड तो उससे भी आपका जो हेयर ग्रोथ बूस्ट हो रहा है दैट मीन्स इवेंचुअली योर वॉल्यूम विल बी एनहेंस्ड ये हो गया सो so, हमारी आज की रेमेडी का जो सेकेंड इंग्रीडियंट है दैट इज करी लीव्स करी लीव्स के बारे में मैंने पहले ही एक वीडियो क्रिएट किया हुआ है आई थिंक एक दो वीडियो क्रिएट करें क्योंकि करी लीव जो है वो हेयर लॉस को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है बीट दी ऑयल और द सिरम और द हेयर मास्क किसी भी फॉर्म में अगर आप करी करीव का एप्लीकेशन करते हैं या उसका कंजन करते हैं तो आपका जो हेयर लॉस का प्रॉब्लम है वो बहुत अच्छे से कंट्रोल होता है इसमें होता है प्रोटीन और बीटा कैरेटिंग जो कि आपके हेयर हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा एक कॉन्टेंट है थर्ड इन्ग्रीडियंट जो मैंने इसमें ऐड किया है दैट इज टू गुड एंड दैट इन्ग्रीडियंट इज एलोवेरा जेल एलोवेरा जेल सब कुछ कर सकता है आपके बालों के लिए बीट योर हेयर थिनिंग प्रॉब्लम अगर आपको हेयर ग्रोथ का इशू है अगर आपके बालों में सॉफ्टनेस नहीं है शाइन नहीं है तो भी आपको एलोवेरा जेल बहुत अच्छे से सपोर्ट कर सकता है सेकेंडली अनियन जो होता है हल्का सा बालों में कई बार फ्रिज कर देता है लेकिन अगर आप एलोवेरा जेल जैसे इन्ग्रीडियंट इसमें ऐड करेंगे तो वो पूरा बैलेंस आउट हो गया तो एलोवेरा जेल का यहाँ पे ये बहुत अच्छा रोल है सो नाउ मूविंग ऑन टू दी प्रेपरेशन प्रोसेस तो so, सबसे पहले हम क्या करेंगे हम जो हमारा प्याज है एक रफली एक छोटे साइज का इतने साइज का प्याज ले लोगे उसे मोटे मोटे पीसेस में आप चॉप कर लोगे ये इंग्रेडिएंट हमने रख लिया साइड देन हमारा सेकेंड इंग्रेडिएंट है जो कि एलोवेरा जेल इतनी क्वांटिटी के लिए इतना एलोवेरा लीफ ही इनफ था तो मैंने इतना ही लिया है और मैंने इसके इसको भी रैंडम कट्स मार के छोटे छोटे पीसेस में मैंने इसको कट कर करके इसे भी रख लिया साइड अब बात कर लेते हैं हमारी जो लीव्स हैं हमारी जो लीव्स हैं हम मेक मेकश्योर करेंगे कि हम उसे वॉश करें अच्छे से क्योंकि उसमें कई बार बहुत मिट्टी होती है क्योंकि वो जो भी प्लांट हम बाहर से लाते हैं तो मिट्टी धूल मिट्टी कुछ तो उसमें होता है तो आप इसे वॉश करके पहले ही थोड़ी देर साइड में रख लीजिए जिससे कि उसमें कोई भी मॉइस्चर ना हो क्योंकि मॉइस्चर की वजह से एक तो कड़कट कड़कर आवाज़ आएगी एंड सेकेंडली ऑयल में अननेसेसरीली हमारा वो पानी शानी चला जाएगा विच वी डोंट वॉन्ट तो आप इसे पूरा सुखाने के बाद देन यू पोटेटो वेदर तो मैंने यहाँ पे 50 ml एल ऑयल लिया है मतलब आप ये कह सकते हो रफली मैंने दस दिन का ऑयल बनाया होगा जिसमें मतलब तीन से चार अप्लीकेशन किसी के निकल जाए रफली बाकी डिपेंड करता है कि आपके बाल की लेंथ क्या है वॉल्यूम क्या है और किस तरह से आपको अप्लाई करना है लेकिन फिफ्टी एम एल मैंने यहाँ पे बेस ऑयल लिया था मैंने यहाँ पे लिया था कोकोनट ऑइल अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या मैं बेस ऑयल मस्टर्ड ऑयल ले लू बहुत लोगों का ये क्वेश्चन जरूर आता है मस्टर्ड ऑयल एक इंडिविजुअली बहुत अच्छा ऑयल है ओनली फॉर इन्फ्यूजन पर्पस आई सजेस्ट कि आप कोई भी थिन कंसिस्टेंसी मतलब पतली कंसिस्टेंसी का ऑयल लीजिए जिससे कि जितने भी आप इन्ग्रीडियंट उसमें डाल रहे हैं वो अच्छे से उनकी जो भी क्वालिटी है वो ऑयल एब्जॉर्ब कर ले तो इसीलिए कोकोनट ऑयल बहुत ही ज्यादा माइल्ड होता है और बहुत ही ज्यादा थिन कंसिस्टेंसी का होता है तो इसीलिए मैं वो प्रेफर करती हूँ लेकिन दूसरे ऑप्शन आपके ये हैं तो आप इनमें से कोई भी ले सकते हो यानी कि आमंड ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल भी चलेगा थोड़ा सा वो थिक होता है कंपैरेटिवली बट चलेगा एंड थर्ड वन इज आर सेसमे ऑयल मतलब तिल का तेल uh, ये आप ले सकते हो इन्फ्यूजन प्रोसेस के लिए ठीक है रीजन मैंने बता दिया क्यू अब हम इन इंग्रेडिएंट को सेम ऑर्डर में डालेंगे कि कोई सॉफ्ट है या सॉलिड है तो सबसे ज़्यादा सॉलिड हमारा इंग्रेडिएंट यहाँ पे क्या है दैट इज़ अनियन तो हम यहाँ पे पहले अनियन डाल देंगे हल्का सा हम इसे गर्म करेंगे रफली फॉर टू टू थ्री मिनट्स इतनी देर तक जब हमारा जो अनियन है वो थोड़ा बहुत ब्राउनिश शेड ना ले ले पूरा प्रोसेस जो है हम इसे लो सिम पे ही मतलब कम आंच में ही बनाएंगे ठीक है तो लो सिम पे ही रखा है तो टू टू थ्री मिनट्स में आपका अनियन हल्का हल्का ब्राउन कलर लेने लगेगा उसके बाद हम इसमें डालेंगे अपना नेक्स्ट इंग्रीडियंट जो कि है एलोवेरा जेल एलोवेरा जल भी हमने इसमें डाल दिया अगेन वी विल लेट इट कुक फॉर अबाउट वन टू टू मिनट्स थोड़ा और पकाएंगे उसको भी जिससे कि जल का जो भी आ, उसका जो लिक्विडी फॉर्म है वो उसमें छोड़ता जाएगा तभी आप देखोगे इस ऑयल की जो कंसिस्टेंसी है इट्स अ लिटिल स्टिकी हालांकि हर कोई ऑयल स्टिकी होता है लेकिन यू विल फील यू विल फील दैट द प्रेजेंस ऑफ एलोवेरा एक्सट्रैक्ट्स मतलब ऑयल में आपको हल्का वाइट वाइट सा दिख रहा होगा तो जब आप बनाएंगे तो आपको फील होगा ऐसा ठीक है पता चल जाएगा कि इसमें एलोवेरा भी है तो हमने एलोवेरा को थोड़ी देर पका दिया और उसके बाद हमने डाला है अपना सबसे डेलिकेट इन्ग्रीडियंट जो कि है हमारी करी लीव्स को भी हमने पकाया अप्रॉक्सीमेटली एक से डेढ़ मिनट और तो पूरा हमारा ऑयल का प्रोसेस रफली दस से ग्यारह मिनट में हो जाएगा ये हमारा हो गया ऑयल उसके बाद हम कर लेंगे गैस ऑफ और इस ऑयल को हम ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे उसके बाद हमारा जो ऑयल है हम इसे फ़िल्टर आउट कर लेंगे किसी भी छन्नी की मदद से और ऐसे किसी ग्लास जार में रख लेंगे सेकेंड क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या मैं इसे प्लास्टिक बॉटल में रख सकता हूँ या रख सकती हूँ सी मैं प्रेफर करती हूँ ग्लास जार क्योंकि ग्लास जो होता है ना अगर आप ये सारे होम मेड ऑइल्स होते हैं तो इनकी जो स्पॉइल होने की टेंडेंसी होती है थोड़ी ज़्यादा होती है स्पेशली इसमें अगर, अगर अनियन जैसे इंग्रेडिएंट्स हैं तो वो तो और भी ज़्यादा होती है तो आप अगर कोशिश करो या तो आप ग्लास जार मतलब अरेंज कर पाऊँ क्योंकि हमारे पिकल्स जो होता है अचार उसके जार्स आते हैं जो हमारे जैम के जार्स आते हैं वो जब भी खाली हो तो आप उन्हें साइड रख सकते हो और आप उसे यूज़ कर सकते हो क्योंकि मैं भी बहुत बार यूज करती हूँ बट uh, हाँ अगर मैं कम क्वान्टिटी में बना रही हूँ तो मैं ऐसे कुछ जार्स यूज़ कर लेती हूँ अब अगर आपको हेयर थेनिंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इसको और भी एफिशियंट और पावरफुल बनाने के लिए आप इसमें इतनी क्वांटिटी में आप ऐड कर सकते हो वन स्पून ऑफ लाइक वन टीस्पून ऑलमोस्ट दस एम के बराबर आप इसमें कैस्टर ऑयल डाल सकते हो वैसे भी ये ऑयल अभी तक बहुत ज्यादा एफिशिएंट बन चुका है लेकिन अगर आप इसको और भी ज्यादा एफिशिएंट बनाना चाहते हो तो कैस्टर ऑयल अगर आप डालोगे तो आपको बहुत और भी बेटर रिजल्ट मिलेगा बट इट इज अप टू यू नहीं डालना दैट इज ऑल्सो फाइन ठीक है <laughs> अब बात कर लेते हैं जिन लोगों के पास एलोवेरा प्लांट नहीं है और वो मार्केट बेस्ड एलोवेरा जेल यूज़ करना चाहते हैं तो क्या यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल यूज़ कर सकते हो तो आपको क्या करना है पहले आपने पूरा ऑयल बना दिया एक्सेप्ट फॉर दी एलोवेरा पार्ट सारा वही सेम प्रोसेस रहेगा उसके बाद आपका जो ऑयल बन जाएगा उसमें जब आप अप्लाई करेंगे एवरी टाइम यू विल एड योर एलोवेरा जेल एंड देन अप्लाई या तो इस तरह से कर सकते और या फिर आप इसमें अप्रॉक्सीमेटली टू स्पून एलोवेरा जेल डाल सकते हो जो भी आपकी मार्केट वाली है वो आप डाल सकते हो फिर आप इसे मिक्स करोगे तो एक तरह से एक सिरम की फॉर्म ले लेगा जो एलोवेरा जेल है जो मार्केट वाली है वो थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी की तो होगी तो आपको थोड़ा बहुत ऐसे मिक्स करना एक यूनिफॉर्म सी कंसिस्टेंसी तो नहीं मिल पाएगी लेकिन फिर भी इट विल हेल्प यू इट विल डू द जॉब तो अब बात कर लेते हैं कि आप इसे कितने देर तक रख सकते हो देखो आपका इसमें अनियन भी है और इसीलिए एक क्वेरी यह भी आ रही थी कि मेरे को थोड़ी स्मेल आती है जब भी आप ये फ्रेश चीजें यूज करते हो चाहे अनियन है गार्लिक है जिंजर है तो आपको हल्का सा उसका स्मेल तो आएगा तो उसका स्मेल तो आपको आएगा तो आप इसे कम टाइम के लिए बनाते हो तो और भी बेटर है मैक्सिमम वन मंथ आप कर सकते हो लेकिन अगर आप थोड़ा सा आलस कम करो अगर आप कोशिश कर सकते हो अगर थोड़ा सा आलस थोड़ा सा कंट्रोल करने की तो आप इसे वीकली बनाओ दैट इज द बेस्ट थिंग दैट इज द बेस्ट थिंग क्योंकि इसमें इतना टाइम सीरियसली नहीं लगता तो आप इसे वीकली बनाओ और कम uh, क्वांटिटी कौन में बनाओ और उसे यूज करने के बाद वन वीक के बाद फिर बना लो आप ऐसा करके करोगे तो आपको और भी ज्यादा अच्छे से उसके बेटर वो बोलते हैं ना द फ्रेशर द बेटर तो वही वाला फंडा है तो आप उस हिसाब से इसे यूज कीजिए एप्लीकेशन प्रोसेस में क्या करना है सेम जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है स्कैल्प की आप इसे टू टू थ्री आवर्स एब्जॉर्व होने के लिए रखेंगे इसे मैं ओवरनाइट थोड़ा सा आपको सजेस्ट करूंगी कि मत रखना क्योंकि इसमें अनियन है विच इज़ अ लिटिल स्ट्रॉन्ग हालांकि हमने बाकी इन्ग्रीडियंट्स उसको बहुत ज़्यादा डायल्यूट कर लिया है लेकिन फिर भी टू टू थ्री आवर्स उतना रखना सफिशियंट होगा और उसके बाद आप अपने कोई भी शैम्पू से इसे वॉश कर लीजिए सो आई रियली होप आपको आज का वीडियो पसंद आया है यूजफुल लगा है और ये रेमेडी ज़रूर ट्राई करना घाइस आपको वॉल्यूम में हेल्प करेगा आपके लेंथस में भी बहुत हेल्प करेगा आपको कंसिस्टेंट होना है आपको रेगुलरली इसको अप्लाई करना पड़ेगा बहुत जल्दी गिव अप मत कर देना ये आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगा क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो ऑलरेडी बहुत सारे रेजिम्स में हैं तो आप जिस भी रेजिम में हैं यू कंटिन्यू विद दैट जब आपका वो खत्म हो जाएगा आपका ऑयल है जो आपने बनाया है जब वो खत्म हो जाएगा देन यू कैन स्विच टू दिस वन सो आई रियली होप आपको आज का वीडियो पसंद आया है पसंद आया तो वीडियो को क्या करना है लाइक like करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल नोटिफिकेशन पे तो जरूर क्लिक करना जिससे कि कोई भी मेरा जो अपडेट आता है आप बिल्कुल भी उसे मिस ना कर सकें और जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूँ आप वैसे ही उसे देख सकें मैं फिर मिलूंगी आपसे एक और यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ टिल देन